मनसै वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचनम् मृत्यो स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य जुगुप्सते एतद्वै तत् अंत्रः पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानोस्य स एवाद्य स उष्वः एतद्वै तत्। कहते हैं परमात्मा को मन से ही प्राप्त करो। ये युक्ति प्रसिद्ध है कि जो वस्तु जहां खोती है वो वहीं मिलती है। नहि गृहे नष्टम वने मृग्यते, घर में जो चीज है वो वन में नहीं ढूंढ, घर में खोई घर में ढूंढो। तो ये परमात्मा कहां खो गया है, तुम ऐसे ब्राह्मण हो गए जो किसी से शूद्र की हिंसा करे, तो इतना कट्टर ब्राह्मण पना तुम्हें कहां प्राप्त हुआ। नहीं तो ये कट्टरपने की कल्पना बन गई, तो मन को उदार बना। देखो ब्राह्मण की ही आत्मा क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसका तो अपना स्वरूप है। तो ये जो तुम अपने को ब्राह्मण मान के हिंदू पना खो बैठते हो और हिंदू मान के मनुष्यपना खो बैठते हो और मनुष्य मान करके प्राणीपना खो बैठते हो और प्राणी मान करके जीवपना खो बैठते हो और जीव मान के अपने को ईश्वरपना खो बैठते हो और ईश्वर मान के अपने को ब्रह्मपना खो बैठते हो। मानी मानी बंधन में आयो, जैसे में तुमने अपने को बिना अनुभव के सत्या, बिना सत्य का यथार्थ का अनुभव हुए ही कि तुम संसारी हो कि नहीं हो, तुम पापी हो कि नहीं हो, तुम पुण्यात्मा हो कि नहीं हो, तुम सुखी दुखी हो कि नहीं हो, तुम परिच्छिन्न हो कि नहीं हो, की जांच पड़ताल किए बिना, इसकी खोज किए बिना तुमने अपने को जीव मान लिया, आना ना। तो मन की मान्यता से ही, मन की विपरीत मान्यता से परमात्मा खो गया। अब मन की परीत मान्यता से, एक विपरीत एक परीत हो, वो परीत का ही उल्टा करने के लिए भी जोड़ा जाता है। परीत माने अनुगत, परियनुगत को परीत बोलेंगे और उससे जो विपरीत हो परीत, है ना, घड़े में मिट्टी ये परीत है, घड़े में मिट्टी परीत है, और घड़ा और कपड़ा ये दोनों परस्पर विपरीत हैं। तो
केवल विपर्यय है ना, अपने जांच करके पड़ताल करके समाधि लगा के शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय करके गुरु से सीख करके तब तुमने अपने को पापी पुण्यात्मी संसारी माना है कि ऐसे ही माना है? बोले परंपरा से माना है। अच्छा, परंपरा से माना है तो अंध माना है कि विद्वत परंपरा से माना है? तो जब विद्वत परंपरा से मानोगे तब तो तुम अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म मानोगे, और जब अंध मानोगे तो अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी जन्म मृत्यु से ग्रस्त परिच्छिन्न मानोगे, संसारी मानोगे। तो विद्वत परंपरा से जो प्राप्त है उसको मानो। मनसे वेदमाप्तव्यम, गुरु और शास्त्र के संस्कार से मन का निर्माण करो, अंध परंपरा से मन का निर्माण मत करो। मनसे वेदमाप्तव्यम, जो बात कल थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी, और तुम कल भी थे आज भी हो और कल भी रहोगे। इसलिए ये जो सड़क पर सरकने वाली है, सरसर सरकने वाली ये जो चीजें हैं, इनको अपने मैं के साथ क्यों जोड़ते हो? कुछ चीज देश में बह रही हैं, कुछ चीज काल में बह रही हैं, कुछ चीज वस्तुओं के रूप में बह रही हैं, कुछ जातियों में बह रही हैं, कुछ संप्रदायों में बह रही हैं, कुछ संस्कृतियों में बह रही हैं, कुछ मजहबों में बह रही हैं, पर तुम तो बिल्कुल स्थिर धीर गंभीर साक्षी ज्ञान स्वरूप हो नारायण। मनसे वेदम आप्तव्यम, नाना के चक्कर में मत पड़ो। यदि तुम अपने से अलग किसी को मान तो वही तुम्हारा दुश्मन है। ये उपनिषद में ये बात बड़ी गंभीरता करते हो, ब्रह्म तम परादाद यो न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, ब्राह्मण उसका शत्रु होगा, उसका तिरस्कार करेगा। किसका? जो ब्राह्मण को अपने से जुदा मानेगा। तम परादाद यो न्यत्रात्मन क्षत्रम वेद, जो क्षत्रिय को अपने से जुदा मानेगा, क्षत्रिय उसका पराभव करेगा, उसका तिरस्कार करेगा, उसका दुश्मन हो जाएगा। देवास्तम परादुहु, देवता लोग उसके शत्रु हो जाएंगे, तिरस्कार करेंगे उसका, जो को अपने से न्यारा मानेगा। देवास्तम सर्वम तम परादाद यो न्यत्रात्मन सर्वम वेद, सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाएगी, सब उसका तिरस्कार करेंगे जो सबको अपने से न्यारा मानेगा। लो ये तो हम तुमसे न्यारे हारे करते करते सबको अपने से न्यारे कर दिया और उनके भूत बन के हो, अपनी परछाई भूत बन के सामने खड़ी हो गई, अब काट जाएगी खा जाएगी। बोला ये अपनी परछाई है और अपने को ही खाने दौड़ती है। क्यों? कहा हम उसको अपने से जुदा मानते हैं। सर्वम तम परादात यो न्यत्रात्मन सर्वम वेद, तो कोई अपने से जुदा नहीं है। जो तुम्हारे हृदय में है वही सबके हृदय में है, जो परमाकाश चिदाकाश तुम्हारे हृदय में है वही परमा वही चिदाकाश सबके हृदय में है। अपने को हड्डी मांस चाम का पुतला मत देखो, अपने को वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चिदाकाश अविनाशी काल से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण देश से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखो। अपने को दृश्य जो है यह जो है ना नारायण, उसमें आप हो, क्योंकि जो दृश्य के साथ अपने मैं को जोड़ेगा मृत्यो समृत्यु गच्छति, दृश्य तो बदलता रहता है, दृश्य की मृत्यु के साथ उसको भी अपनी मृत्यु का कष्ट सहना पड़ेगा। जो
अनाइव पश्यति। बहू को तो सास और बहू के दुश्मनी हो जाएगी ना, बेटा को तो बाप बेटे की दुश्मनी हो जाएगी, पराया। बेटा बाप को पराया समझे तो दुश्मन, बाप बेटे तो दुश्मन। तो जो यह नानेव पश्यति, इस प्रपंच में हो कार में इस कार, ये नहीं परमार्थ में एकत्व देखना ना। जो इह नाना इव पश्यति, यह व्यवहारे भी इस व्यवहार में इस कार्य नाना मत देखो, वचन मत बोल रे, सबके घट में साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट को पट खोल रे, पीयू मिलेंगे घूंघट को पट खोल रे। ये पर्दा सब नानात्व में एकत्व। कल आ रहे एक साधु पास पास जंगल में रहते थे, गुफाएं थी, तो तीन साधु तीन गुफा में, तो घंटे दो घंटे के लिए रोज इकट्ठे हो जाया करते थे और आपस में परमार्थ की चर्चा चलती थी। तो एक दिन हमने साधु से पूछा कि तुम साधु कैसे हुए हैं? तो उसने बताया कि जब हम बच्चे थे तो घर घरौंदे खेलते थे, तो कौन कितनी दूर पहुंचता है, ऊपर को उचकते थे। तो एक साधु आता और वो अपनी झोली जो भिक्षा की थी वो तो पेड़ पर टांग देता, और वो भी हम लोगों के साथ छलांग भरता, हमारे साथ खेलता, हमारे साथ। हम तो थे बच्चे और वो साधु था, तो हमारे जितना उछल नहीं सकता था कि बाबा जी तुम तो हमारे जितना उछल नहीं सकते, छलांग भरते तो हम ज्यादा भरते, वो कम भरते, बाबा जी मोटे होंगे, है ना, मोटा आदमी तो किसी काम का नहीं, आप जानते। रोज बस रोज उनका ये नियम था कि ला के झोली भिक्षा की टांग दी पेड़ पर और हमारे साथ खेलने लग गए। तो एक दिन वो आए तो उनके साथ वो भिक्षा में तो अन्न था ही कुत्ता। तो एक बार उन्होंने कुत्ते से कहा कि अरे भाई लौट जाओ, तुम हमारा पीछा क्यों करते हो। फिर थोड़ी दूर चला तो फिर बोले कि लौट जाओ, काहे को हमारा पीछा करते। फिर तीसरी तुम उल्टे ही लौट जाओ, उल्टे पांव लौट जाओ, क्यों हमारे साथ। तो वो तो आगे बढ़ते रहे और कुत्ता जो है वो पीछे को मुंह बाबा जी की ओर करके और पीछे की ओर चला। अब तो बड़ा चमत्कार हो गया, कुत्ता जो है बाबा जी की ओर मुंह करता है। तो बच्चों ने कहा कि बाबा जी तुमने क्या ऐसा भजन किया है। अभी वो जो बतलाते हैं अपने साधु होने का किस्सा, तो हम लोगों ने पूछा कि बाबा जी तुम तो भगवान का बहुत भजन करते हो, हम लोगों को बताओ भगवान का भजन कैसे करें। तो बोले भगवान ऐसे करो कि सब में एक और एक में सब, सब में एक और एक में सब, बस यही मंत्र तुम लोग जपो, सब में एक, एक में सब, सब में एक, एक में सब। तो चले गए, देखो बच्चों के साथ खेलते थे, उछलते थे, छलांग भरते थे, बच्चों जितनी ताकत उनके अंदर नहीं थी पर रोज वैसा करते थे, कुत्ता भी उनका हुक्म मानता था, है ना। उन्हें भजन बताया ये कि एक में सब और सब में एक। तो बोले कि वो बाबा जी तो फिर आए नहीं हम लोगों के साथ खेलने और हम साधु हो गए, हम साधु हो गए, तो वो हैं एक में सब और सब में एक। तो
ये जितना जितनी स्वार्थ परायणता है, भोग परायणता है, जो लोभ है हमारे जीवन में, मोह है, हिंसा है, असत्य है, छल है, कपट है, वो सब एक में सब न देखने से है। हो सब में एक और एक में सब न देखने के कारण असल में एक में सब कहने का अभिप्राय हुआ कि एक एक नहीं है, और सब में एक कहने का अभिप्राय हुआ कि सब सब नहीं है। माने परमार्थ तत्व जो है वो एक और सब दोनों से न्यारा, दोनों से विलक्षण है। ये तो भेद की सृष्टि कर लेने से ही कर भाई, आज तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? कि हमारा छाता किसी ने चुरा लिया। बोले कैसा छाता था? बहुत बढ़िया छाता था। कितने में खरीदा था? क्या खरीदा नहीं था, वो तो एक दिन क्लब में गया था तो वहां से उठा के ले आया था, है ना। ये संसार में जो दुख है ना, ये संसार में जितने दुख हैं इसी कोटि के हैं बोला, है ना। ये तुमने उठा के किसी की चीज अपनी बना ली है, अब वो दूसरा कोई उठाता है तो तुम शिकायत करते हो। लड़ाई तो इसी बात की है ना, लड़ाई तो सिर्फ इसी बात की है। ये धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, है ना, परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, है ना, ये नानात्व दर्शन जो है यही संपूर्ण दुखों की जड़ है, यही अनर्थों की जड़ है ना। इसलिए हमारे दार्शनिकों का ये विभाग है कि ये नानात्व दर्शन की जो जड़ है भ्रांति, उस भ्रांति को ही काट दें। तो देखो तुम्हारे बारंबार जन्मने और मरने का कारण क्या है? परमात्म दर्शन न करके, परमार्थ दर्शन न करके, एकत्व दर्शन न करके नानात्व का दर्शन कर रहे हो। ले और फिर उसी बात को सुनाते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ये आनंद आश्रम वाली पुस्तक में तिष्ठति छूट गया है। मध्य आत्मनि इतना ही है हमारे पास आनंद आश्रम के। ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति। मात्रच प्रत्यय है हो संस्कृत का, ये है ना, ये प्रत्यय है और परिमाण अर्थ में ये होता है। अंगुष्ठ परिमाण को अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं संस्कृत में। ऐसे ऐसे प्रत्यय होते हैं कि उनको प्रत्यय के रूप में पहचानना जरा मुश्किल होता है, शब्द की तरह होते हैं, वो मूल शब्द की तरह ही होते हैं। अंगुष्ठ मात्र। अच्छा आप जानते हैं प्रणाम और प्रमाण दोनों में फर्क है कि नहीं है? प्रमाण म बीच में और प्रणाम ण बीच में, ऐसे परिमाण और परिणाम दो शब्द होते हैं। हो परिणाम शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलना, और परिमाण शब्द का अर्थ होता है नाप, नाप तौल, है ना। परिणाम और परिमाण, तो ये परिमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय हुआ है नाप बताने के लिए। ये देखो जो हाथ पांव वाला ये शरीर है, हड्डी मांस चाम, ये द्रव्य है, वस्तु है, इसको बोलते हैं, जिसको पिघला सकें उसको द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य माने जो द्रवित हो जाए, जो गल जाए उसका नाम द्रव्य, जो द्रवित होवे सो द्रव्य। अच्छा
ये द्रव्य है। अब इस द्रव्य में प्राण जो है ना उसकी शक्ति है और मन जो है वो संकल्प रूप में है और बुद्धि जो है वो कर्ता रूप में है, विमर्श रूपिणी। जो काम बुद्धि पूर्वक नहीं किया जाता उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती। माने कर्म में पाप पुण्य नहीं होता है, वस्तु में भी पाप पुण्य नहीं होता है, कर्तृत्व में पाप पुण्य होता है। जैसे अनजान में चल रहे हो और पांव के नीचे कोई कीड़ा आया और मर गया, तो इसमें दोष किस बात का कि अनजान में आया। माने तुमने पांव रखते समय जो असावधानी बरती वो उसमें दोष है। जैसे ड्राइवर मोटर चलाते हैं ना और रास्ते में किसी राह चलते को चोट लग जाए, तो वो चोट पहुंचाने का जानबूझ करके चोट पहुंचाने का दोषी नहीं है, असावधानी से मोटर चलाने का दोषी है। असावधानी से मोटर चलाना दूसरी चीज है और जानबूझ के चोट पहुंचाना दूसरी चीज है। तो दुश्मन जो होता है, दुश्मनी जिनके मन में होती है वो जानबूझ के चोट पहुंचाते हैं। तो जानबूझकर चोट पहुंचाना जो है वो हिंसा है, हिंसा है, और अनजान में चोट पहुंच जाना वो प्रमाद है ना। तो प्रमाद भी दोष है, हिंसा भी दोष है। तो ये जो पाप पुण्य है हमारे, वो किसी क्रिया से उत्पन्न नहीं होते कि इसने अमुक काम किया। उसमें वो काम करने में विमर्श बुद्धि कर्तृत्व था कि नहीं था। तो द्रव्यात्मक मैं देह है बोला, और क्रियाशक्त्यात्मक मैं प्राण है, और संकल्पात्मक मैं मन है। ये स्वप्न में भी रहता है और ये मनोराज्य में भी रहता है। अनियंत्रित मन से पाप पुण्य नहीं होता, पागल को पाप पुण्य नहीं होता। अच्छा, जब कर्तृत्व आता है तब उसमें कर्तापन से पाप पुण्य का उदय होता है। आप देखो, इसी से हमारे सनातन धर्म की पद्धति ये है कि प्रत्येक क्रिया किसी न किसी अवस्था में धर्म होती है। ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है जो किसी न किसी अवस्था में धर्म नहीं मानी जाएगी। देह को काटना भी धर्म होता है हो, ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है ना, नहीं तो क्रियानिष्ठ व्यक्ति हो जाएगा, आत्मनिष्ठ नहीं होगा, क्रियानिष्ठ हो जाएगा। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो कहीं न कहीं ग्राह्य न हो, है ना। ऐसी कोई औषधि नहीं है, जड़ी बूटी ऐसी कोई नहीं है जो कोई न कोई दवा ना होती हो, और वस्तु ऐसी कोई नहीं है जो कहीं न कहीं ग्राह्य न होती हो, और क्रिया ऐसी कोई नहीं है जो कभी न कभी कर्तव्य न होती हो। हाँ, पुरुष ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई न कोई योग्यता न होती हो। अक्षर कोई ऐसा नहीं है जिसका मंत्र के रूप में उपयोग न हो सकता हो। ये हमारे हम अगर बताने लग जाए ना तो कि अमुक अमुक क्रिया भी अमुक अवस्था में धर्म होती है। तो आपको आश्चर्य होगा, इसलिए हम नहीं बताते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही बताते हैं, क्रिया में धर्म अधर्म का निवास नहीं है, वस्तु में धर्म अधर्म का निवास नहीं है, है ना, शक्ति में धर्म अधर्म का निवास नहीं है, संकल्प में धर्म अधर्म का निवास नहीं है, मनोराज्य में धर्म अधर्म का निवास नहीं है। जब हम अपने को कर्ता मानते हैं उसका, तब वो चीज हमारे साथ चिपक जाती है। और अपने को कर्ता क्यों मानते हैं, अपनी असलियत को नहीं जानते हैं, है ना। तो अपनी जो असलियत है, अपना जो असली स्वरूप है, उसका अगर ज्ञान होवे तो अपने को कोई कर्ता माने ही नहीं।
तो भक्ति सिद्धांत में ये बात मानते हैं, भक्ति सिद्धांत में भी ये बात मानते हैं ना। वो कहते हैं कि यदि प्रभु की आज्ञा को कोई समझे, प्रभु के हुक्म को कोई समझे, गुरु साहब बोलते हैं ना, मालिक के हुक्म को, अकाल पुरुष के हुक्म को अगर कोई समझता है तो हउमय कहे न कोई, तो अहम, अहम करता ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो आप ढूंढो कि ये शरीर, शरीर के भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन, मन के भीतर बुद्धि है ना, बुद्धि के भीतर शांति, वो प्रयत्न साध्य होने पर उसको समाधि कहते हैं और स्वभाव सिद्ध होने पर सुषुप्ति कहते हैं, वृत्ति की शांति। प्रयत्न साध्य होने पर उसमें महत्व बुद्धि होती है और स्वभाव सिद्ध होने पर उसमें महत्व बुद्धि नहीं होती है। तो नारायण वो कर्तृत्व से ही समाधि भी प्राणायाम आदि का अभ्यास करके लगाई गई है ना। जैसे खूब परिश्रम करके कमाई की गई हो तो 5 रुपया बड़ा कीमती लगता है ना, और कहीं रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया हो, बाप दादे की कमाई हो, तो बेटा लोग क्या फूंक देते हैं उस पर। नारायण, तो अब देखो ये सुषुप्ति गुहा में अथवा समाधि गुहा में जहां शांति है, शांति है, शांति है, इस भूता जैसे बांस की नली में भूताकाश रहता है, वैसे शरीर के भीतर चित्त की नली में चित्ताकाश रहता है। और चित्त की उपाधि को छोड़ दें तो उसका नाम चिदाकाश होता है। तो जो चिदाकाश है वही चित्त के परिमाण का मालूम पड़ता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, इस शरीर के भीतर एक अंगूठे के बराबर ऐसा सुशिर है जो बांस के छेद में भूताकाश के समान है, और जो स्वप्न काल में चित्ताकाश के समान है ना, द्रव्य रूप बांस से रहित और संकल्प रूप चित्त से रहित, केवल शुद्ध स्वयं प्रकाशात्मक आकाश है। वो काल का भी प्रकाशक संबित, देश का भी प्रकाशक संबिन मात्र, वस्तु का भी प्रकाशक संबिन मात्र, उसमें से यदि उस अंगुष्ठ मात्रता की उपाधि को, वो त्वम पद लक्ष्य की, त्वम पद लक्ष्यार्थ की उपाधि है अंगुष्ठ मात्रता, उस अंगुष्ठ मात्रता को यदि छोड़ दें तो वही तत्पद लक्ष्यार्थ ईशानो भूत भव्यस्य, वो भूत भव्य का ईशान है, वही संपूर्ण विश्व सृष्टि का है ना आधार और प्रकाशक, जो इस हृदय का प्रकाशक है वही संपूर्ण है ना, जो छोटे बल्ब में है वही बड़े बल्ब में है, जो हमारे मुंह के भीतर जो आकाश है इस मकान के भीतर भी वही आकाश है, हमारे हृदय के भीतर जो चैतन्य है संपूर्ण विश्व सृष्टि के भीतर भी वही चैतन्य है। और हृदय और विश्व सृष्टि, हृदयाकाश, हृदय पुंडरीक और लोक पद्म, ब्रह्मांड कमल, विश्व कमल, तो हृदय कमल और विश्व कमल की उपाधि छोड़ करके जो एक रस अखंड संबिन मात्र जो चैतन्य वस्तु है वो बिल्कुल एक है। ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। कल की परसों किसी ने पूछा, अब एक बात सुनाने के लिए भूमिका बनाता हूं ना, ये शरीर तो व्यक्ति है ये तो मालूम पड़ता है, ये जाहिर होता है, सिमट जाता है, बनता है, बिगड़ जाता है, पर इससे मोह क्यों होता है। तो मैंने कहा कि मोह भी तो व्यक्ति ही है,
जैसे शरीर जाहिर होता है और सिमट जाता है, ऐसे मोह भी जाहिर होता है और सिमट जाता है। एक काल में मोह प्रकट होता है, दूसरे काल में मोह लय हो जाता है। जैसे एक काल में शरीर प्रकट हुआ और लय हो गया, वैसे एक काल में मोह भी प्रकट हुआ और लय हो गया। तो ये मोह भी असल में व्यक्ति ही है, बोला उसको भी महत्व मत दो। जैसे तुम कहते हो कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, ये मैं समझता हूं, तो वैसे तुम ये भी समझो कि सूक्ष्म व्यक्ति रूप जो मोह है उसका भी कोई महत्व नहीं है, वो भी सपने की तरह प्रकट होता है और लुप्त हो जाता है। तो ये बात क्यों सुनाए? कि भविष्य पुराण में एक कथा है, उसमें कथा है कि एक बार शंकराचार्य भगवान और रामानुजाचार्य दोनों मिले। तो पहले ही प्रश्न हुआ कि शंकराचार्य का काल दूसरा और रामानुजाचार्य का काल दूसरा, ये दोनों मिलेंगे कैसे? ये भविष्य पुराण में गप लिखी है, हैं? ये तो गपोड़ा ही हुआ, क्योंकि वो दूसरे समय में हुए, वो दूसरे समय में हुए, अब ये दोनों का मिलना कैसे? तो दोनों शरीर रूप से नहीं मिले, भाव रूप से मिले, ऐसा समझो। दोनों के जो भाव हैं वे मिले। पुराण जो हैं वो मिट्टी के बने हुए व्यक्ति का चरित्र नहीं लिखते हैं, सूक्ष्म शरीर में उदय होने वाले भाव का चरित्र लिखते हैं, भाव व्यक्ति। ये व्यक्ति समझाने के लिए पहले मोह वाली बात कही हो, है ना, कि वो भी तो उदय और विलय होता है। तो एक शंकर भाव और एक रामानुज भाव, एक अद्वैत भाव और एक विशिष्टाद्वैत भाव, है ना, दोनों का एक बार मिलाप हुआ, दोनों मिले। अब दोनों मिले महाराज, तो उनको कोई भौतिक समस्या तो थी नहीं, उनको चुनाव में तो खड़ा होना नहीं था, है ना, कि आपस में लड़े, उन्हें तो परमार्थ का निरूपण करना। तो श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि देखो, उपनिषद में आत्मा को अंगुष्ठ मात्र लिखा है, ये ब्रह्म भला कैसे हो सकता है? ये भविष्य पुराण में संवाद है, उपनिषद में तो आत्मा को अंगुष्ठ मात्र बताया, ये भला ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो श्री शंकराचार्य ने पूछा कि आचार्य, उपनिषद में जब अंगुष्ठ मात्र लिखा है तो तुम उसको अणु मात्र कैसे कहते हो, है ना? ये चेतनाणु है ना, अंगूठे के बराबर जो चीज होगी वो तो अणु नहीं होगी। तो जिसका वर्णन उपनिषद में अंगूठे के बराबर कह के किया हुआ है उसको तुम अणु कैसे बताते हो? तो श्री रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया कि ये आत्मा का परिमाण नहीं है, ये आत्मा की नाप नहीं है अंगूठे बराबर, हृदय की नाप है, और उस अंगूठे बराबर हृदय के अंदर अणु मात्र आत्मा रहती है। तो शंकराचार्य ने कहा कि यही हमारा भी समाधान है, है ना, कि ये जो परिमाण है, परिमाण यहां विवक्षित नहीं है, उपस्थिति विद्यमानता विवक्षित है। हृदय का परिमाण है अंगूठे के बराबर, उसमें जो आत्मा है सो ब्रह्म है, हैं? और हृदय का तुम कहते हो कि हृदय का परिमाण है अंगूठे बराबर और उसमें जो आत्मा है सो अणु है। तो जैसे अंगुष्ठ मात्र ये परिमाण अणु मात्र के साथ नहीं जुड़ता है, वैसे ही अंगुष्ठ मात्र परिमाण ब्रह्म के साथ भी नहीं जुड़ता है, औपाधिक परिमाण है। मन ये जो परिमाण है ये औपाधिक है, ये जो नाप जोख है अंगूठे के बराबर की, ये तो हृदय का नाप है, ये हृदय का नाप है, और आत्मा जो है वो इस नाप से परे है। बोले कि अच्छा, तो नाप से परे है ये बात तो हम भी मानते हैं और तुम भी मानते हो, परंतु वो अणु है कि ब्रह्म है ये कैसे निर्णय होए? बोले अब श्रुति का उत्तरार्ध पढ़ो।
जो ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति स एव भूत भव्यस्य ईशाना। यहां जो सामानाधिकरण है ना, सामानाधिकरण एक ही विभक्ति के दोनों पद हैं। जो अंगूठे के बराबर है वही भूत भव्य का ईशान है। अब लो, अब निर्णय करो कि वो अणु है कि वो ब्रह्म है। ईशानो भूत भव्यस्य, तो ये आपको भविष्य पुराण के है ना, ये भविष्य पुराण की कथा सुना दे। ये बोलने का ढंग है। एक दिन साधुओं की भीड़ लगी है ना, बहुत साधु इकट्ठे हुए, कोई सन्यासी है ना, कोई उदासी, कोई वैष्णव, कोई सतनामी, कोई प्रणामी, बहुत तरह के साधु। तो एक गुरु चेला खड़े थे अलग, सब साधुओं से अलग। तो गुरु जी बोले कि देखो बेटा, वो जो साधु है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, तिलक लगाए, जटा रखे, जनेऊ पहने, वो जो हिंदू साधु के रूप में दिख रहा है, वो जो हिंदू साधु है ना, वो जो साधु दिख रहा है साधु, वो असल में मुसलमान है। देखो दिख रहा है साधु और है मुसलमान, तो उद्देश्य हुआ साधु और विधेय क्या हुआ, मुसलमान पना उसका विधेय हुआ। मुसलमान पना तो बताना हम क्या चाहते हैं, उसको मुसलमान बताना चाहते हैं, और दिख किस रूप में रहा है, वो हिंदू साधु के रूप में दिख रहा है। तो वहां उसके हिंदू साधु की वेशभूषा, वेशभूषा विवक्षित अर्थ नहीं है, है ना, उसका जो व्यक्तित्व है वो मुसलमान है, ये अर्थ विवक्षित है। इसी प्रकार अज्ञ दशा में है ना, अविवेक दशा में जो देह की परिच्छिन्न से परिच्छिन्न भासता है, अंगूठे के बराबर भासता है, जिसके गले में जमराज के दूत अपना पास बांधते हैं और जिसको घसीट करके नरक में ले जाते हैं, और देवता लोग जिसको विमान पर बैठा के स्वर्ग में ले जाते हैं, जो ब्रह्मलोक में जाता है, जो कैलाश साकेत वैकुंठ की यात्रा करता है, ऐसा जिसके बारे में शास्त्र में प्रसिद्ध है ना, वो अंगुष्ठ मात्र है, वो देखने में अंगुष्ठ मात्र है, वस्तुतः ईशानो भूत भव्यस्य, वस्तुतः वो परमात्मा का स्वरूप ही है, वो भूत भव्य का ईशान ही है। तो वहां अंगुष्ठ मात्रता विवक्षित नहीं है, भूत भव्य की ईशानता विवक्षित है। क्योंकि वाक्य जो होता है वो अज्ञात का ज्ञापक होता है ना, अंगुष्ठ मात्रता तो अन्य प्रमाण से भी ज्ञात है, परंतु ईशानता अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है। इसलिए ये श्रुति अपूर्व का ज्ञापन करती है, अपूर्व बात समझाती है कि जिसको तुम अंगूठे के बराबर देख रहे हो ना। एक दिन हमारे एक मित्र हैं, हो वो क्या नाम है, बीकानेर राज्य में गंगा सिंह के समय में वो होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे ना, हमारे मित्र हैं, अभी जिंदा हैं बोला, और राज्य था उस समय गंगा सिंह जी महाराज का। एक दिन वो साइकिल पर बाजार में निकले तो क्या देखते हैं कि एक दुकान के सामने स्वयं गंगा सिंह जी महाराज चपरासी की वेशभूषा पहने हैं, बिल्कुल चपरासी की तरह दुकान में खड़े होकर के कोई सौदा खरीद रहे हैं। अभी तो पहचान गए, सेक्रेटरी थे, पहचान गए, झट साइकिल पर से उतर पड़े है ना, और जोहार किया। उन्होंने कहा, डांट दिया, गंगा सिंह जी ने डांट दिया। दूसरे ने इनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, बोले अरे ये तो गंगा सिंह साहब है, बोला वो चपरासी नहीं है, बोला चपरासी के वेश में गंगा सिंह साहब है, राजा साहब है। तो वहां दृश्य रूप कौन सा है, का चपरासी है, हैं? और वहां विवक्षित अर्थ क्या है, का राजा है। उस चपरासी के रूप में दिखने वाली वस्तु को राजा के रूप में समझाया जा रहा है,
यदि उसको चपरासी समझाते तब तो दुकानदार भी चपरासी समझ रहा है, सड़क पर चलने वाला भी सब चपरासी समझ रहा है, भंगी भी चपरासी समझ रहा है, सब अज्ञानी उसको चपरासी समझ रहे हैं। लेकिन जो उनको पहचानते थे है ना, उन्होंने बताया कि ये चपरासी नहीं है, है ना, ये तो बीकानेर का महाराज है, गंगा सिंह जी हैं। तो ये जो अज्ञान दशा में जो ये मांस पिंड के भीतर अंगुष्ठ मात्र सबको मालूम पड़ता है, हैं? पापी को, पुण्यात्मा को, स्वर्गी को, नारकीय को, है ना, उपासक को, है ना, जो अंध परंपरा से अपने आप में परिच्छिन्नता भास रही है उसका तो अनुवाद किया गया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष। और उसकी असलियत क्या बताई गई, का उसकी असलियत बताई गई ईशानो भूत भव्यस्य, वो भूत माने जो कुछ हुआ। नानक है भी सच, होसी भी सच, जो था वो भी वही और जो होगा वो भी वही। भूत भव्य वर्तमान का माने काल का वो ईशान है, काल का ईशान है माने कालातीत है, वो काल को चलाता है, उसी से शाम सुबह होती है, उसी से सूर्योदय सूर्यास्त होता है, उसी से सृष्टि प्रलय होते हैं, उसी से ब्रह्मा विष्णु रुद्र के जन्म होते हैं और प्रलय होते हैं। वो महाराज भूत भव्य का ये अंगुष्ठ मात्र जो मालूम पड़ता है ना, ये भूत भव्य का ईशान है, इससे असंसृष्ट है। तत्न ततो बिजुगुप्सते, अरे बाबा डरते काहे कहो, डरो मत, तुम्हारे अंदर ये अतड़ी नहीं लिपटी हुई है, ये खून, ये पीव, ये मांस, ये चाम, ये हड्डी तुम्हारे साथ लगे हुए नहीं है। तुम मरने जीने वाले नहीं हो, तुम आने जाने वाले नहीं हो, तुम पापी पुण्यात्मा होने वाले नहीं हो, तुम परिच्छिन्न नहीं हो। एतद वही तात, यही अंगुष्ठ मात्रोपलक्षित जो परमार्थ तत्व है ना, यही तत् है। तत्माने विदित अविदित से विलक्षण है, यही धर्म अधर्म से परे है, यही कृत अकृत से परे है, यही विष्णु का परम पद है, यही अद्वितीय है। इसी को बड़े बड़े देवता लोग ढूंढते रहते हैं कि हमको मिले, ये यही है। ये तद्वई तत् अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूम कहा ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौ स्वः एतद्वै तत् ॐ।